एसवाईएल का मामला पंजाब सरकार की तरफ से डाली जा रही बाधा की वजह से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब जल्द ही फैसला आ सकता है, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। गुरुग्राम पहुंचे सीएम खट्टर ने एसवाईएल पर एक बार फिर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। एसवाईएल के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से अपना पक्ष रखते हुए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से मुखातिब होते कहा कि मामले में पंजाब बेवजह देरी कर रहा है। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जो ये विषय लटका हुआ था केवल इसी कारण से कि पंजाब सरकार ने एक अड़चन अपनी डाली हुई थी, ना कुछ उत्तर देते थे ना कुछ करते थे। अब अंतोगत्वा उन्होंने अगर अपना निर्णय लिया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक सुविधा हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय अपने हिसाब से बहुत जल्दी देगा, तो इसलिए ये निर्णय उनको अगर करना ही था तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ये मेरे ख्याल में 3 साल के करीब बात होगी राष्ट्रपति जी को मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो आज तक नहीं मिलाया मुख्यमंत्री जी ने। सवाल है जहां तक पंजाब सरकार का और उनकी सर्वदलीय बैठक का, उसका तो कोई औचित्य नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर रखा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। यहाँ हरियाणा बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इम्प्लीमेंट कराना चाहिए तुरंत। सीएम खट्टर गुरुग्राम में प्राइवेट स्कूल की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अगले 5 सालों में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन किए जाने की भी बात कही। देखिए, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार के अपने प्रयत्न हैं, वहां मुझे खुशी है इस बात की कि सामाजिक संस्थाएं, एनजीओस, बहुत से सभा सोसाइटीज, क्लब्स इसमें आगे आ रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, इनको शुभकामना भी देता हूं कि इस पर आगे बढ़ते रहें। आज लायंस क्लब गुरुग्राम ने जैसे अपना सेक्टर 10 का एक इनका विद्यालय चलता है, बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे ब्रांच का भी इन्होंने आज शिलान्यास किया है भवन का, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं पर सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए खुद की पीठ भी उन्होंने थपथपाई और इसी के साथ अंत्योदय योजना के विस्तार का भी दावा किया। जी मीडिया गुरुग्राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।